फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल का नाम टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन है, तो आपको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैंने आपसे लास्ट टाइम सितंबर की नेशनल न्यूज डिस्कस की थी, तो मैं आज आपके लिए इंटरनेशनल न्यूज लेकर आई हूँ। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सितंबर अंक की इंटरनेशनल न्यूज। तो ये देखिए, मेरी पहली न्यूज क्या है, अमेरिका और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनमें शिखर वार्ता फिर से शुरू हो गई है। आप सब जानते हैं जैसे कि भारत में 2+2 शिखर वार्ता होनी थी भारत और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका ने ये कहा था कि आप रूस से बहुत सारे संबंध खत्म कर दीजिए। तो इस तरीके से रूस में और अमरीका में एक शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रही थी, तो उसको खत्म करते हुए दोनों राष्ट्रपतियों ने एक शिखर वार्ता की, जिसको कंडक्ट कराया राष्ट्रपति निनोसते, जो कि हेलसिंकी और फिनलैंड के, यानी कि ये जो पूरा जो कंडक्ट हुई है मीटिंग वो फिनलैंड में कंडक्ट हुई है, इसलिए इसका नाम हेलसिंकी 2018 रखा गया है और ये 16 जुलाई 2018 को ही। अब मेंबर देखिए, रसिया की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कौन कौन से थे। जैसे हम जानते हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, वो तो थे ही, विदेश मंत्री सर्गी लवरोव थे, यूरी उशकोव यानी कि सुरक्षा सलाहकार रशिया के थे, और एनीतोली एंटोनो रूसी राजदूत थे जो कि अमेरिका में है। और अमेरिका की तरफ से देखो, ट्रम्प तो थे ही, साथ में माइक पोम्पियो भी थे जो कि फॉरेन मिनिस्टर है वहां के, जॉन आर बोल्टन थे जो कि वहां के सुरक्षा सलाहकार हैं, जॉन एफ कैली भी थे जो कि चीफ हैं उसके व्हाइट हाउस के, और जो इसके रशिया में अमेरिकी राजदूत हैं जॉन हंट्समैन, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो देखिए कि इनमें फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे हुआ, औपचारिकता किस तरीके से वार्ता हुई थी, ये पहले भी हो चुकी थी। जो जुलाई 2017 में G20 का जो कॉन्फ्रेंस था हैमबर्ग में जो आयोजित हुआ था, वहां भी इनको जो कम्युनिकेशन का हुआ था, और नवंबर 2017 में एपेक्स शिखर सम्मेलन में भी जो कि वियतनाम में कंडक्ट किया था, वहां भी उनकी वार्ता हुई थी। टॉपिक देखो किस किस बात के लिए डिस्कस हुए थे, जैसे कि वहां पर दोनों में ये लगी रहती है कि परमाणु हथियार किसके बेस्ट है, तो परमाणु हथियार के ऊपर, सेना के ऊपर, सीरिया यूक्रेन में दोनों ने अपनी सेनाएं लगा रखी है उसके ऊपर भी बातचीत हुई थी, शीत युद्ध जो हुआ था उन्होंने कहा कि ये जो शीत युद्ध है वो बीता हुआ काल बन चुका है और देशों को एकजुट होने के लिए ही एक साथ आना पड़ेगा जिससे कि हम सारी चुनौतियों को निपटा सके। तो ये मेरी पहली न्यूज थी। सेकंड न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड न्यूज है, इजराइल यहूदी राष्ट्र घोषित हो गया है। तो वहां के जो आधिकारिक विधेयक संसद में ये पारित हुआ कि इजरायली संसद ने ये पारित किया है कि वहां की जो राष्ट्रभाषा वो हिब्रू है और दूसरी राष्ट्रभाषा वो अरबी है, यानी कि अरबी से ऊंचा स्थान हिब्रू का हो गया, वहां की कैपिटल यरूशलेम तो घोषित हो ही चुकी है, आप सब जानते हैं। ये देखें कि 20% जो अरबी हैं इसराइल के, वो उसके फेवर में नहीं थे कि ये देश यहूदी देश राष्ट्र घोषित हो, बट 19 जुलाई को ये घोषित हो गया। ये जो पॉपुलेशन है यहाँ के, हम बता देते हैं कितनी है, 89 लाख है, जिसमें से 80% इसराइली है, 20% अरबी है, तो इसलिए इसराइली सांसदों ने इस देश को यहूदी राष्ट्र घोषित कर दिया है। टोटल वोट जो पड़े हैं फेवर में 62 पड़े थे और अनफेवर में 55 पड़े थे। ये एक न्यूज बनती है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, क्यूबा में नया संविधान लागू हो गया है। तो हम ये बता देंगे प्रपोजल डेट कब थी और कब ये लागू होने के लिए हुआ है। तो 22 जुलाई 2018 को इसकी प्रपोजल डेट रखी गई थी, बट उन्होंने क्या है, जनता से सुझाव मांगे हैं। ये कहा है कि 13 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक जनता अपने सुझाव दे सकती है। नया अधिकार कौन कौन सा ऐड हुआ है, निजी संपत्ति का अधिकार इसमें नया ऐड हुआ है, और इसी में ये कहा गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो राष्ट्रपति है जो कि राहुल कास्त्रो है, इसका पद ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा, और इनके जो कार्यकाल है हर 2 वर्ष में राष्ट्रपति चेंज हुआ करेंगे, और प्रधानमंत्री का नया पद भी उन्होंने दिया है, और ये भी कहा है कि जो लैंगिक असमानता है उसको समाप्त कर दिया जाए और समलैंगिक विवाह की अनुमति भी वहां पर दे दी गई, यानी कि क्यूबा में अब समलैंगिक विवाह यहां पर लीगल होगा। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमरीका के स्थान पर अब आइसलैंड जो है वो नया मेंबर हो गया यूएनएचआरसी का। देखो यहां पर यूएनएचआरसी का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2018। अब आपको जैसे पता ही है कि अमेरिका जो है ईरान के विरोध में था और कई बार ये कह चुका था, तो ईरान पर बहुत प्रतिबंध लगा चुका था, तो इजरायली विरोधों के कारण जो रवैया अपनाने के कारण उसने, अमेरिका ने क्या कहा है कि मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं, मुझे इसमें नहीं रहना। तो अमेरिका ने अपना कार्यकाल जो कि दिसंबर 2018 में समाप्त होने वाला था, त्याग पत्र दे दिया, उसकी जगह आइसलैंड ने वहां पर एंट्री कर ली। तो आइसलैंड जो है दिसंबर 2019 तक इसका मेंबर बना रहेगा। ये इसके चुनाव हर साल 13 जुलाई 2018 को हुए थे और टोटल मेंबर जो है अभी तक यूएनएचआरसी में 47 है। ये और बता देती हूँ, जो आइसलैंड है वो सबसे ज्यादा शांति प्रदेश देश है, यानी कि अगर शांति सूचकांक में इसका अंक देखें तो ये सबसे पहले नंबर पर है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं।
भारत और पाकिस्तान ने कैदियों की सूची आपस में एक दूसरे को दे दी है। तो हम बता दें, ये जो समझौता हुआ है वो 2008 के द्विपक्षीय समझौते के अकॉर्डिंग आता है, और इसकी जो डेट होती है वो दो डेट होती है एक साल के अंदर, एक तो 1 जनवरी और एक 1 जुलाई, जो कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक दूसरे के कैदियों की सूची डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर पाकिस्तान की जेल में बंद लोगों की बात करें तो 53 सिविलियंस हैं और 418 वहां के मछुआरे हैं, और इंडियन जेल की अगर बात करें तो 249 सिविलियन और 108 मछुआरे हैं। ये कैदियों की सूची एक दूसरे को आदान प्रदान की गई है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया की जो पूर्व राष्ट्रपति थी उनको 8 साल की सजा हुई है, जिसका नाम है पार्क म्यून हाई। रीजन क्या था इनको सजा होने का? इनका सजा का ये था, एक तो ये भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई थी, दूसरा यह है जो सियोल डिटेंशन सेंटर है उसके निरुद्ध होने के कारण भी इनको 8 साल की जेल हुई। ये दोनों सजा जो है वो साथ साथ बिताएंगी। अभी ये बता दें कि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है जो कि साउथ कोरिया में भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काट रही हैं। इन पर एक जो महाभियोग लगाया गया था वो दिसंबर 2016 में इनका प्रस्ताव रखा गया था, और 10 मार्च 2017 में इनकी पुष्टि कर दी गई थी। तो हम आगे भी देखेंगे कि साउथ कोरिया ने भारत में यात्रा जो की है, नेक्स्ट न्यूज इसी पर है। ये देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया था वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थी उनको सजा हुई थी। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इनकी जो भारत यात्रा है वो 8 जुलाई से लेकर 11 जुलाई को कंडक्ट की गई। पार्टी क्या नाम है मून जी इनका? वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि आरओके। मेंबर हम बता देते हैं कौन कौन यहाँ पर भारत में आया था विजिट के लिए। मून जे इन तो आई थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं दक्षिण कोरिया के, उनकी वाइफ भी थी किम जोंग सुक, ये इनके वाइफ हैं जो उनके साथ आई थी। कुछ वरिष्ठ मंत्री आए थे और कुछ उद्योगपति भी वहां पर आए थे। मैं ये बता दूं, ये राष्ट्रपति बनने के बाद इनकी पहली यात्रा है भारत में, और भारत की तरफ से जो यात्रा हो चुकी है वो मई 2015 में, जुलाई 2017 में, और हैम्बर्ग G20 कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। ये देखिए उन्होंने कौन कौन से विजिट प्लेस किए थे। उन्होंने अक्षरधाम पहले विजिट किया, फिर उसके बाद उन्होंने सैमसंग प्लांट विजिट किया। आप जैसे जानते ही हैं कि भारत विश्व का नंबर वन प्लांट जो है सैमसंग प्लांट नोएडा में बन रहा है, जो कि 500 करोड़ वर्ड का फर्स्ट जो प्लेस है वो बन रही है, जिसमें 1 करोड़ फोन का निर्माण हुआ करेगा। फिर उसके बाद वो मंडी हाउस से बॉलर टेक्निकल गार्डन की तरफ मेट्रो से गए, उन्होंने टोकन लेकर यात्रा की। उसी में उन्होंने ये कहा गया कि ये जो मोबाइल बनाने में भारत का सेकंड पोजीशन हो चुका है, और फैक्ट्री जो है अब 2 से लेकर 120 हो चुकी हैं। साउथ कोरिया को भी इस चीज में आमंत्रित किया गया कि आप यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉपिक देखिए कौन कौन सी चीजों के लिए मुद्दे इनके लिए डिस्कस किए गए। एक तो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दा था, ईस्ट पॉलिसी इंडिया की तरफ से, और साउथर्न स्ट्रेटजी साउथ कोरिया की तरफ से, इनके रिलेशनशिप पर बात हुई। अपग्रेडेशन हुआ सीएपीए का, जो कि कंप्रेसिव इकोनॉमिक और पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, और आईकेसीआरआई पे भी बात हुई, यानी कि इंडिया कोरिया सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन, इन सब पर बात हुई। इस मीटिंग का जो मुद्दा था वो था ए विजन फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी पीस एंड द ओवर फ्यूचर। ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट न्यूज जो है, भूटान के जो पीएम थे शेरिंग तोपकी, उनकी भी भारत यात्रा थी, वो जो कंडक्ट की गई थी यात्रा वो हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में कंडक्ट की गई थी, जो कि 5 से लेकर 7 जुलाई 2018 तक थी। मेंबर कौन कौन से विजिट करने आए थे? भूटान नरेश जिग्मे खेसर आए थे, नावाग्याम वांगचुक आए थे। ये जो कंडक्ट किया गया है वो 85 वर्षगांठ पर, यानी कि भारत और भूटान के जो संबंध है 85 वर्षगांठ पर हुए थे, इसलिए इनको यहां पर कंडक्ट किया गया था। डिस्कस देखिए कौन कौन से क्षेत्र में डिस्कस किया गया था। आर्थिक क्षेत्र में डिस्कस किया गया है, जल विद्युत क्षेत्र में डिस्कस किया गया है, जो संचालित इस समय परियोजनाएं हो रही है उनमें डिस्कस किया गया है, और इनके सभी मंत्रियों से मुलाकात भी की गई थी। अगर हम आपस में देखें रिलेशनशिप, एक हमारा पूरा प्रोग्राम कंडक्ट होता है जिसको बोलते हैं इंडो भूटेन फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये 1949 की मैत्री संधि के साथ में आता है। तो इस तरीके की न्यूज इतनी सफिशिएंट है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान है, उसमें वोटिंग हुई थी। तो हम ये बता दें वोटिंग खत्म हो चुकी है, और 15वीं असेंबली के चुनाव भी खत्म हो गए 25 जुलाई 2018 को। अब ये अलग अलग पार्टियां हैं कि 4 जो उनके राज्य हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पंजाब, सिंध, पख्तूनवा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में देखिए ये वाली पार्टी ने 13 वोट लिए हैं, और मुनास्ता मजीस ने 9 वोट लिए हैं, जबकि पीपुल्स पार्टी ने 74 सिंध में वोट लिए हैं, और तहरीक इंसाफ ने 22 वोट लिए हैं, तहरीक इंसाफ ने 123 वोट लिए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पंजाब में 129 वोट लिए हैं। टोटल 272 सीट थी, और प्रधानमंत्री जो बनेंगे वहां के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान बनेंगे, जो कि हमारी तहरीक इंसाफ पार्टी के मेंबर हैं, और मुस्लिम लीग पार्टी को 64 वोट मिले हैं, जबकि इमरान खान की पार्टी जो तहरीक इंसाफ है उनको 116 वोट मिले हैं। तो इस तरह सेकंड पोजीशन पर है।
टोटल मेंबर जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया था वो थे 12,570 और 849 सीट पर ये चुनाव हुआ था। ये बता दें ये 11वें चुनाव संपन्न हुए हैं। इतनी न्यूज आपके लिए काफी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे चलते हैं। मोदी जी की यात्रा, मोदी जी ने 3 देशों की यात्रा की थी और यही हमारी लास्ट न्यूज होगी। उन्होंने रवांडा में यात्रा की है जिसका नाम किंगाली इसकी राजधानी है, इसके राष्ट्रपति पॉल हैं। पॉल की ये अफ्रीकी देश की पहली यात्रा थी। उन्होंने इससे पहले जो है मतलब मोदी जी की ये फर्स्ट यात्रा है पूर्व अफ्रीकी देश की, और राष्ट्रपति पॉल जो है हमारे भारत में पहले से यात्रा कर चुके हैं जिसको बोलते हैं वाइब्रेट गुजरात। 2017 में ही आए थे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ही आए थे। ग्रीनिका योजना इन्होंने लॉन्च की है। ग्रीनिका योजना बता दी ये क्या होती है। इसमें क्या होता है कि मोदी जी ने 200 गाय देने का वादा किया इनके यहाँ। इस गाय के अकॉर्डिंग क्या होगी, एक गाय जो मादा गाय होगी वो जो है अपने पड़ोसी को दे दी जाएगी, फिर उनसे जो बच्चे होंगे मादा गाय वो फिर पड़ोसी को दे दी जाएंगी। इस तरीके से ये स्कीम बनाई गई है जिसको ग्रीनिका योजना बोलते हैं। ये गाय के ऊपर योजना बनाएगी। इसी तरीके से जो उन्होंने अगले दिन की यात्रा की है वो युगांडा में किया है। युगांडा की राजधानी कंपाला है और ये 21 साल के बाद यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, यानी कि किसी प्रधानमंत्री की 21 साल के बाद ये यात्रा है। उन्होंने वहां पर कैंसर थेरेपी मशीन को दिया है, मुफ्त में दिया, जिससे कि कैंसर का इलाज हो सके। फिर उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की जहां पर उन्होंने 10वें शिखर सम्मेलन जो कि जोहान्सबर्ग में कंडक्ट किए जा रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। ये बता दें ब्रिक्स आंदोलन 25 से 27 जुलाई 2018 को हुआ। इसकी थीम जो थी वो था ब्रिक्स इन अफ्रीका कोलैबोरेशन फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये मेजबानी जो कर रहे थे वो सिरिल रामाफोसा कर रहे थे। ये दूसरी बार साउथ अफ्रीका मेजबानी कर रहे हैं, इससे पहले वो 5th जो है 2013 में कर चुका है। और ये ब्रिक्स के राष्ट्रपति, इनमें कौन कौन शामिल थे, ब्रिक्स के राष्ट्रपति शामिल थे मॉरिसिसो के, यानी कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी शामिल थे। और चर्चा का विषय था CCIT एंड WTO। आई होप आपको ये न्यूज पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेकर आऊंगी इकोनॉमिक्स की न्यूज। थैंक यू सो मच।